फ्रेंड एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द क्रिएटिव मी। गाइस इन टुडेस वीडियो आई एम गोना शो यू हाउ आई डिड अ मेकओवर ऑफ माय अपार्टमेंट स्क्वायर एंड दिस इज द फर्स्ट मेकओवर वीडियो ऑफ माय मेकओवर सीरीज एंड इस वीडियो में मैं जो भी यूज कर रही हूं एवरीथिंग इज डीआईवाई। सो विदाउट फर्दर एडो जस्ट लेट्स गेट इनटू द वीडियो। एज यू कैन सी ये मेरा एंट्रेंस डोर है। राइट साइड में ये कुछ इस तरीके से फायर बना हुआ है, इसके ऊपर इस तरीके का एक वुडन स्टोरेज बॉक्स है एंड देन ये छोटा सा स्पेस है और उसके बाद नीचे यहाँ शू स्टोरेज है। और ये जो आप देख रहे हैं ये मैंने पहले DIY किया हुआ है, जो कि मैंने एक फोम शीट को कट करके किया था। तो ये मेरा पूरा फायर एरिया है। तो सबसे पहले मैं यहाँ ये जो पहले लगा हुआ है उसको क्लीन करूँगी एंड उसके बाद आप देख सकते हैं ये वॉल काफ़ी डर्टी लग रही है। तो सबसे पहले हम इसको कलर करेंगे। मैं यहाँ पे ज्योमेट्रिक पैटर्न में वॉल को कलर करने वाली हूँ। इसके लिए मैंने सबसे पहले मास्किंग टेप को रैंडमली इस तरीके से लगा लिया है। सबसे पहले चारों कॉर्नर्स में लगाया एंड देन वॉल पे मैं इस तरीके से मास्किंग टेप लगा रही हूँ। ये आप रैंडमली किसी भी तरीके से कर सकते हैं। तो पूरी जगह मास्किंग टेप लगाने के बाद ये वॉल कुछ इस तरीके से लग रही है। इसके बाद मैं यहाँ कलर करना स्टार्ट करूँगी। मैं यहाँ एशियन पेंट का ग्रे कलर यूज कर रही हूँ। मैं यहाँ ब्रश की हेल्प से कलर कर रही हूँ। आप चाहे तो रोलर भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद मैं यहाँ रोलर की हेल्प से सेकेंड कोट कर रही हूँ एंड देन कलर होने के बाद हमारी वॉल कुछ इस तरीके से लग रही है। इसके बाद जो हमने मास्किंग टेप लगाई थी उसे इस तरीके से धीरे धीरे निकाल लेना है। इसको बहुत आराम से करिएगा, अदरवाइज कलर भी साथ साथ में निकल सकता है। इन केस अगर आपका कलर निकल भी जाता है तो आप एंड में एक छोटे ब्रश की हेल्प से कलर का टचअप कर सकते हैं। एंड अब हमारी वॉल कुछ ऐसे लग रही है एंड ट्रस्ट मी गाइस दिस इज लुकिंग सो ब्यूटीफुल एंड नाउ इट्स टाइम टू पुट सम पिक्चर्स ऑन इट। मैं यहाँ दो पोर्ट्रेट लगाने वाली हूँ, जो कि एक मेरा है और एक मेरे हस्बैंड का है। ये मैं यहाँ इसलिए लगा रही हूँ ताकि जब भी मैं घर में एंटर करूँ मुझे और हार्डवर्क करने के लिए मोटिवेट करे। मैं इसे यहाँ ब्लू टैग की हेल्प से लगा रही हूँ। आप चाहे तो कोई और मोटिवेशनल कोट भी लगा सकते हैं, कुछ और फ्रेम जो भी आपको अच्छी लगे वो आप लगा सकते हैं। ये फ्रेम मैंने फॉर्म शीट से बनाई है एंड उसके ऊपर मैंने येलो कलर किया है। तो दिस इज टोटली DIY एंड वन मोर थिंग, जो भी हम यहाँ यूज करने वाले हैं दैट एवरीथिंग इज DIY। इसके बाद मैं यहाँ होम स्वीट होम का साइन बोर्ड लगा रही हूँ, जो कि एक DIY है। इसका वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है
तो आई विल पुट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इसको मैं यहाँ केबल क्लिप की हेल्प से लगा रही हूँ। इसके बाद मैं यहाँ प्लांटर बास्केट रखने वाली हूँ, विच इज़ ऑल्सो ए DIY। इसका वीडियो भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। इसको मैं यहाँ प्लेस करने वाली हूँ एंड इसमें हम एक प्लांट रखेंगे। आई थिंक प्लांट ऐड करने से आपके घर का कोई भी एरिया है एकदम से ब्राइटन अप हो जाता है एंड पॉजिटिव वाइब्स देता है। सो आई एम एडिंग प्लांट हियर ताकि व्हेनेवर आई एंटर माई हाउस आई गेट अ पॉजिटिव वाइब्स। इसके बाद मैं यहाँ ये लैम्प ऐड कर रही हूँ जो कि मैंने कार्डबोर्ड से बनाया था। इसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। मैं इसे यहाँ वॉल हैंगर पे लगा रही हूँ जो कि मैंने अमेज़न से मंगवाया है। ये मेरे पास गोल्डन कलर में आया था लेकिन मैंने इसे स्प्रे पेंट कर दिया था। एंड सबसे लास्ट पे मैंने यहाँ हैंगिंग लैंप ऐड किया है, इसकी वीडियो भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। एंड नाउ इट्स टाइम टू फाइनल रिवील। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। इफ पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड बी क्रिएटिव।